बड़ी फनी सी मजेदार कड़ाकेदार और थीम वाली वीडियो बनाते हैं, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है रौनक और सवेरे सवेरे बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप, क्योंकि शुरू हो चुका है रणतंत्र। और मुबारक हो दोस्तों, वर्ल्ड कप हारने के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को जलील करके वापस भेजने की अपने मिशन में कामयाबी पा ली है। बेंगलुरु में हुए पांचवें T20 में हमने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया और सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया। वैसे तो 3-1 से बीजेपी ने भी इलेक्शन पर कब्जा कर लिया है और बीजेपी वाले इससे खुश भी हैं, लेकिन कोई इंडियन क्रिकेट फैन भारतीय टीम की जीत सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। समझ लीजिए इतना गहरा घाव देकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले की क्या बताएं। और सब घाव यहीं देकर जा रहे हैं, अब से 2 हफ्ते पहले IPL में पैसा भी बटोर लेंगे। किस्मत हो तो ऑस्ट्रेलिया वालों जैसी हो भैया, क्या ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी लाइफ में तो ग्रोथ के नाम पर खाली बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए जीत तो जीत होती है और हमारे लड़कों ने लड़के जीत हासिल करी है। मैच में इंडिया पीछे थी, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की कि जिस तरह उन्होंने कमबैक करवाया हमारा। इन सब की शुरुआत हुई बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर हमारे बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करने आए और एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पावर पे खत्म होने तक टिक नहीं पाए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ भी जल्दी निकल लिए। हमें फिर भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस पूरे सीरीज में रिंकू भैया ने हमारी नैया पार लगाई है। लेकिन जब रिंकू भी अपने T20 इंटरनेशनल करियर में सिंगल डिजिट पर आउट हो गए, तब हमें समझ में आया कि ये वो बेंगलुरु की पिच नहीं है जिस पर हम हंसते खेलते 200 बना देते थे। और ये बात समझने के लिए श्रेयस अय्यर से बेहतर कौन हो सकता था। श्रेयस टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और कल अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने ये साबित भी कर दिया। शुरू की 15 गेंद में अय्यर के पास बस 12 रन थे, लेकिन एक बार जब उनको रिदम और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप मिली तो फिर बाउंड्री लगनी शुरू हो गई। अय्यर के 53 रन की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 161 का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे थे कि बेंगलुरु से डायरेक्ट सिडनी की फ्लाइट कल रात को ही पकड़ लेंगे, शायद इसीलिए ट्रेविस हेड ने कल की शुरुआत अर्शदीप को लगातार 3 चौके मारकर करी और उसके बाद पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया के 40 रन बनवा दिए। लेकिन एक बार फिर रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए। इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी ने दी है तो वो है इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल। और ताज्जुब की बात है कि ऑस्ट्रेलिया लगातार 5 मैचों में इनका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। डायरेक्टली 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ढूंढेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों ने टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी और फिर लगातार विकेट लेकर मैच में हमें बनाए रखा। लेकिन दिक्कत ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेट, जो मैच फिनिश करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और तब आया मैच का सबसे बढ़िया मोमेंट जब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आया अर्शदीप, अर्शदीप का आखिरी ओवर के साथ लव हेट रिलेशनशिप रहा है, लेकिन कल मामला लव का था। क्या बढ़िया आखिरी ओवर डाला है अर्शदीप ने, दिल खुश कर दिया, क्योंकि प्रेशर के टाइम पर ही हमारी टीम बिगड़ती है और अगर प्रेशर में हमारे यंग लड़के ऐसा खेल दिखा रहे हैं तो फिर उम्मीद है कि ICC ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। वेल, अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारे सिर्फ 6 या 7 T20 इंटरनेशनल बाकी हैं, जिनमें से हमारा अगला T20 मैच 10 तारीख को साउथ अफ्रीका के साथ है, जो कि डर्बन में होगा। उस T20 सीरीज पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज का पोस्टमार्टम हम करेंगे कल की वीडियो में, डिटेल में इस पे बतियाएंगे। लेकिन जाने से पहले अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज पे जरूर लाइक करिएगा। और अपनी टीम के लिए, यंग टीम के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। किस प्लेयर का परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा है उस प्लेयर का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तारीफों के पुल बांधे, हमें बताएं, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। अच्छा, वीडियो तो आज रोमन की थी, क्रिकेट पर थी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन इंडियन टीम को, उन्होंने कुछ तो वो जो गाओ तो मैं इसको नहीं कहता, वो खेला अच्छा खेला है, पूरा वर्ल्ड का वाइट वॉश किया उन्होंने, पूरी टन के टन मैच जीते। को नहीं फाइनल में थोड़ा सी बैड लक हो गई, लेकिन उनका उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स ये किया कि 4-1 से सीरीज जीत गए, इसलिए उनको हमारी तरफ से बधाइयां, कंग्रेचुलेशन, मुबारक। भाई देखें कि वो जिस तरह रौनक वीडियो में बता रहा था कि इसमें इतना को खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इंडियन आवाम ने। इस तरह है, तो बहुत बड़ा यार देखे कि जिस तरह सारे मैच, कोई मैच भी नहीं हारे, एक मैच जीते हैं, लेकिन एंड पे जीतने वाला इंडिया फाइनल खेला अच्छा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैड लक के उनका प्लेयर चल गया था जो
याद है कुछ क्रिकेट ने अपना पुराना जमाना याद दिला दिया भाई। जब हम क्रिकेट खेलते थे शायद जो लोग हमारे साथ नीचे कमेंट में जुड़ेंगे कमेंट में बताइएगा कि पहले अब तो ये टेप बॉल आ गई, टेनिस बॉल जिसे हम बोलते हैं, टेनिस बॉल इस पर टेप लपेट कर खेला जाता है। पहले आपको दरख्त याद है नहीं, खजूर का दरख्त होता है, खजूर के दरख्त के ना जो होते हैं शाखें ऊपर वाली जो शाख होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है इस तरह की ना, टेढ़ी बनी होती है इस तरह कर्व बना होता है, गौर से देखें कर्व होता है उसका। तो हम उन शाखों को तोड़ जो जहाँ से वो हैवी शाख होती थी उनको उखाड़ कर उनको काट कर और वो जो लैलन वाली बाल होती थी प्लास्टिक की, हाँ सॉफ्ट बाल, रबड़ की बाल, रबड़ की बाल होती थी और उसमें आई थिंक हवा भरी होती थी, हवा फूक वाली बाल से कहते थे, याद है रूप भाई? हाँ, फूक वाली बाल से कहते थे कि फूक वाली बाल भाई। हम उससे भी खेले हैं फरूख भाई, तो मेरे साथ खेलते रहे रहमतुल्लाह और अली, ये तो छोटे हैं ये तो अभी अभी पैदा हुए कुछ चंद साल पहले। हाँ आंसर आया यार, हमने इसी से बचपन गुजारा, ऐसे ही गुजारा खेला, धूप वाली बाल हुआ करती थी और हमारे पास लकड़ का बैट नहीं हुआ करता था, वो जो खजूर का तना होता ना जो उससे हम क्रिकेट खेलते थे और बड़ी मजा आता था, बल्कि हमारे टूर्नामेंट होते थे याद है रूप में, हम गर्मियों में 3 महीने जो हमें 4 महीने गर्मियों की छुट्टियां हुआ करते थे ना, यकीन करे सारा दोपहर लूर लूर कुत्तों की तरह हमने उधर टूर्नामेंट ही खेलते रहना सारा दिन, तो वो बड़े यार मजेदार दिन थे। देखें कि ये स्पोर्ट की कोई भी जो होती है ना स्पोर्ट लाइफ या जो पिछला गुजरा हुआ वक्त होता है वो हमेशा बंदे को जब याद आता है ना तो हैरानगी खुशी होती है कि वो किस तरह का जो है ना दौर था। तो इंडिया की यार जो है ना मैच पर जो है ना मुझे भी ना कह रहे हैं अफसोस हुआ था यार, कि उन्होंने अपनी कंट्री में नहीं यार अच्छा खेला, अच्छा था खेला तो अच्छे हैं लेकिन एंड पे जाके ना जो हुआ सबकी नजर थी कि इंडिया फाइनल जीतेगा, इंडिया वर्ल्ड कप ये जीतेगा, सबसे ज्यादा उनको दुख ये है कि उनके अपने मुल्क में वो हार गए। हाँ ये दुख सबसे, 10 मैच सीरीज पूरे 10 बहुत अच्छे, इंडिया वाले दिल छोटा ना करें वो खेले बहुत अच्छा थे। अभी जो बदला भी कुछ एक किस्म का हो ही गया कि 4-1 से पूरी की पूरी सीरीज जीत गए, बिल्कुल 4-1 से पूरी की पूरी सीरीज जीत गए। हम भी तो हैं हौसला करके बैठे, हमारी टीम है जो मुसलसल पोलिंग से मैच जीती है फिर भी हम बर्दाश्त करके बैठे हैं, चलो ये स्पोर्ट है इसमें होता रहता है जीत मिलता है। अल्लाह हाफिज़।